फ्रेंड्स, आप सभी का होम साइंस क्लासेस में स्वागत है। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, हमारे शरीर में कुल कितना जल तरल पदार्थ के रूप में कोशिकाओं में रहता है? तो हमारे शरीर में 70% जल तरल के रूप में कोशिकाओं में रहता है। नेक्स्ट है, विटामिन B3 को कहते हैं, विटामिन B3 का रासायनिक नाम नियासीन है। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, नियासीन। राइबोफ्लेविन B2 का रासायनिक नाम है और पैंथोथेनिक अम्ल B5 को कहते हैं, पायरेडॉक्सिन B6 को कहते हैं। नेक्स्ट है, सोयाबीन में निम्न प्रोटीन पाया जाता है? तो सोयाबीन में ग्लाइसिनिन प्रोटीन पाया जाता है और लैक्टोलिब्यूमिन ये प्रोटीन दूध में पाई जाती है और ग्लूटीन गेहूं में। नेक्स्ट है, निम्न खाद्य वर्ग में से मुख्य खाद्य वर्ग कौन सा है? तो इनमें से मुख्य खाद्य वर्ग है ऑप्शन बी, गेहूं व मोटे अनाज। नेक्स्ट है, प्रसार शिक्षा के मूल्यांकन साधन है परखने का? तो प्रसार शिक्षा को परखने का साधन है कार्यालय अभिलेख, या एक परखने का साधन है। नेक्स्ट है, कार्य सरलीकरण का अर्थ है? कार्य सरलीकरण से तात्पर्य है काम का ढंग इस प्रकार का हो कि कम से कम समय और शक्ति को व्यय कर हम अपना अधिक से अधिक काम पूरा कर लें। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, कार्य करने की आदतों को बदलना। नेक्स्ट है, समय प्रबंध का एक यंत्र है? तो समय प्रबंध का एक यंत्र कार्य वर्क है, वर्क डायग्राम समय प्रबंध प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण यंत्र है। इसके अंतर्गत कार्य को ग्राफ पेपर पर वर्क के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। नेक्स्ट है, स्वस्थ सामान्य शिशु की लंबाई होती है? तो स्वस्थ सामान्य शिशु की लंबाई 18 से 20 इंच तक होती है। नेक्स्ट है, पूर्व किशोरावस्था की उम्र है? किशोरावस्था को दो भागों में बांटा गया है, पूर्व किशोरावस्था और उत्तर किशोरावस्था। पूर्व किशोरावस्था 13 से 17 वर्ष और उत्तर किशोरावस्था को 17 से 21 वर्ष तक माना गया है। नेक्स्ट है, उच्च रक्तदाब से पीड़ित रोगी को देना चाहिए? उच्च रक्तदाब से पीड़ित व्यक्ति को कम सोडियम आहार देना चाहिए, क्योंकि एक स्वस्थ मनुष्य को 2.4 ग्राम सोडियम देना चाहिए प्रतिदिन और हृदय रोग से पीड़ित व्यक्ति को 1.5 ग्राम से अधिक नहीं देना चाहिए। नेक्स्ट है, घर में प्रबंध कहलाता है? घर में प्रबंध पारिवारिक लक्ष्य प्राप्ति के लिए साधनों का प्रयोग ही प्रबंध कहलाता है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, प्रारंभ के दो दिन मां के स्तन से निकलने वाला गाढ़ा पीला दूध कहलाता है? तो यह गाढ़ा पीला दूध कोलेस्ट्रम कहलाता है। कोलेस्ट्रम प्रोटीन युक्त तरल पदार्थ होता है। इसको पीने से शिशु की पाचन क्रिया बढ़ जाती है तथा इसे ग्रहण करने से शिशु रोगी से भी बच जाता है। नेक्स्ट है, एंटी बेरीबेरी फैक्टर कहलाता है? तो एंटी बेरीबेरी फैक्टर विटामिन B1 कहलाता है। विटामिन B1 एंटी बेरीबेरी फैक्टर कहलाता है। विटामिन B1 को थायमिन भी कहते हैं। इसकी कमी से बेरीबेरी नामक रोग हो जाता है जिससे केंद्रिका तंत्रिका तंत्र का कार्य बिगड़ जाता है और इससे क्या होता है, लकवा की आशंका हो जाती है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।